नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी के पर्यटन स्थलों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जगन्नाथपुरी घूमने के लिए जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको जगन्नाथ मंदिर के अलावा और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जगन्नाथपुरी की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत 10 जगहों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप जगन्नाथपुरी ट्रिप के दौरान इन 10 जगहों को विजिट जरूर करें। और दोस्तों, इन 10 जगहों को आप कम खर्च में आराम से विजिट कैसे करें उसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमने हमारे चैनल में जगन्नाथपुरी की एक और वीडियो डाली है जिसमें हमने जगन्नाथपुरी पहुँचने से लेकर रहने, खाने पीने तथा जगन्नाथपुरी में घूमने का कुल खर्च क्या होगा उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे दी है। तो एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम जानते हैं कौन से है वो जगन्नाथपुरी में घूमने लायक खूबसूरत जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जगन्नाथपुरी के पर्यटन स्थलों को आप कम खर्च में आराम से विजिट कैसे करें। तो दोस्तों, पूरे शहर के मंदिरों और अन्य जगहों को घूमने के लिए आपको साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा लेना होगा। दोस्तों, घूमने के लिए साइकिल रिक्शा सबसे सस्ता विकल्प माना जाता है और ये बहुत गरीब होते हैं, इनसे मोल भाव करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, इसके विपरीत ऑटो रिक्शा शाल का मीटर आमतौर पर खराब और गड़बड़ रहता है, इसलिए आपको ऑटो चालक से मोल भाव करना आवश्यक है। दोस्तों, ऑटो से लगभग 300 से 400 रुपए में आप पूरे जगन्नाथपुरी आराम से घूम सकते हैं। पहले स्थान पे आता है जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ देश भर में प्रख्यात है और उड़ीसा का पूरे शहर जगन्नाथ मंदिर के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अंतरिक्त उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रह भी स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इन तीनों विग्रह को एक विशेष प्रकार की लकड़ियों से सजाया गया है जिसे 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में 4 प्रमुख द्वार बने हुए हैं और मुख्य मंदिर में 4 कक्ष बने हुए हैं। इस मंदिर में आयोजित होने वाला लंगर दुनिया का सबसे बड़ा लंगर माना जाता है। दूसरे स्थान पे आता है नरेंद्र सरोवर। दोस्तों, नरेंद्र तालाब पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तालाब के मध्य एक सुंदर मंदिर स्थित है। इस तालाब में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हर साल चंदन यात्रा के दिन भगवान के प्रतिनिधि मदन मोहन, भूदेवी एवं श्रीदेवी तथा पालकी में श्री कृष्ण विराजमान होकर स्थित नरेंद्र सरोवर अर्थात चंदन तालाब आते हैं और नौका विहार करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस नरेंद्र सरोवर को देखने जरूर जाएं। तीसरे स्थान पे आता है पुरी बीच। दोस्तों, यदि आप पुरी जाते हैं तो वहाँ के साफ सुथरे और सफ़ेद मिट्टी और कांस जैसे साफ पानी में स्नान करने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरी बीच की, जो श्री जगन्नाथ मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस बीच को भारत के सबसे साफ और सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है और इस बीच पर आपको विभिन्न राज्यों और शहरों से आए भारतीयों के अतिरिक्त कई विदेशी इस बीच के सुंदर वातावरण का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहां पर समुद्र से मिलने वाली मोती और अन्य प्रकार के सामानों को स्थानीय विक्रेता बेचते हैं। चौथे स्थान पे आता है विमला मंदिर। दोस्तों, देवी विमला की मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में स्थित है और बड़ी श्रद्धा की मूर्ति है जिसे मंदिर के मुख्य देवताओं के समान ही माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसे शक्तिपीठ के रूप में भी देखा जाता है जिसका अर्थ है यह विशेष रूप से सर्वोच्च देवी को समर्पित मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि देवी विमला सर्वोच्च देवी मां की तांत्रिक अभिव्यक्ति है।
पांचवे स्थान पे आता है माथा मठ। दोस्तों माथा मठ जगन्नाथ पुरी के दर्शनीय स्थलों में से एक है और एक सुंदर गार्डन स्थित यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। दोस्तों यहां का ठंडा वातावरण, खूबसूरत सजावट और कई देवताओं की विशाल मनोकह प्रतिमाएं देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहां सरोवर में हंस तैरते रहते हैं और हरे भरे वृक्षों और झाड़ियों के बीच मनोकह दृश्य बनाए गए हैं। दोस्तों यहां अलग अलग झांकियों का आनंद लेते हुए घूमना एक सुखद अनुभव देता है। छठे स्थान पे आता है लोकनाथ मंदिर। दोस्तों लोकनाथ मंदिर पुरी का दूसरा सबसे लोकप्रिय मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहां भगवान शिव लोकनाथ के रूप में स्थित है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस लिंगा को भगवान रामचंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों भगवान शिव ने शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए यहां के तालाब के अंदर कुछ समय तक निवास किया था। दोस्तों पार्वती टंकी के पास एक प्राकृतिक झरना बहता है। सातवें स्थान पे आता है बेड़ी हनुमान मंदिर। दोस्तों बेड़ी हनुमान मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिम दिशा की ओर समुद्र तट के निकट स्थित एक छोटा सा मंदिर है जिसे दरिया महावीर मंदिर भी जाना जाता है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र से मंदिर की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी के दर्शन करने के लिए बार बार नगर में चले जाते थे। दोस्तों हनुमान जी के नगर में जाने के बाद समुद्र नगर में प्रवेश कर जाता था। इस प्रकार समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ दिया। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को मंदिर में जंजीरों से बांध लिया। इस मंदिर में हनुमान जी की जंजीरों से बंधी प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों आप भी पूरी ट्रिप के दौरान बेड़ी हनुमान जी मंदिर के दर्शन जरूर करें। आठवें स्थान पे आता है गुड़ीचा मंदिर। दोस्तों गुड़ीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूर ग्रांड रोड के दूसरे सिरे पर स्थित है। कलिंग शैली में बना यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी गुड़ीचा को समर्पित है। दोस्तों यह मंदिर एक सुंदर बगीचे के बीच में बनाया गया है और प्रति वर्ष होने वाली रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ यहाँ 9 दिन ठहरते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा गुड़ीचा मंदिर को उनकी मौसी पादों पीठा खिलाकर उनका स्वागत करती है। नौवे स्थान पे आता है टोता गोपीनाथ मंदिर। दोस्तों पुरी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक टोता गोपीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर प्रतिमा स्थापित है। टोता गोपीनाथ सबसे अद्भुत प्रतिमा इसलिए है क्योंकि यह दुनिया में एकमात्र बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। दोस्तों यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने इसी गोपीनाथ मूर्ति में प्रवेश करके अपनी लीला को समाप्त किया था। दोस्तों श्री टोता गोपीनाथ जी केंद्र में विराजमान है। उनके प्रिय राधिका वीणा और ललिता सखी बांसुरी के रूप में उनके बाएं और दाएं स्थित है। दोस्तों शाम को 7 बजे दर्शन के दौरान पुजारी से विशेष अनुरोध करने पर आप श्री गोपीनाथ भगवान के दाहिने घुटने पर एक छोटी सुनहरी लकीर को देख सकते हैं, जहां से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान में प्रवेश किया था। 10वें स्थान पे आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों देश के सबसे बड़े और भव्य 10 मंदिरों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो भारत के प्राचीन धरोहर में से एक है। दोस्तों यूनेस्को ने सन 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की आश्चर्यचकित कर देने वाली रचना इस प्रकार की गई है, जैसे 12 विशाल पहियों पर आधारित एक विशाल रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो। दोस्तों
दोस्तों रथ पर भगवान सूर्य नारायण विराजमान है। हमारी भारतीय मुद्रा 10 के नोट में इस मंदिर की छवि अंकित की गई है। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथपुरी में घूमने लायक जगन्नाथपुरी की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत 10 जगह। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।